अरुण कमल जी की कविता है, फरमाइश। चलते चलते वह जुलूस, हाथी घोड़े बत्ती वाला जुलूस, आगे आगे चमचम नौजवान, पीछे सबके थोड़ी बड़ी उम्र वाले इत्र के फाहे, और ढेर सारे बच्चे सलमा सितारे, और ढेर बैंड बाजे, शहर का मशहूर गवैया चलंत मंच पर माइक लिए। चलते चलते वह जुलूस एक सकरे रस्ते पर एक घर के सामने रुका, जैसा कि रुकता था हर थोड़ी देर पर नुमाइश में। चलते चलते वो गवैया जिसकी मखमली सदरी पर रुके रुपए टके थे ताबड़तोड़, जो हिल रहा था पारे सा रोशनी में, इतना सजा इतना सुहावना कि खिड़कियां खुली की खुली रह जाती। चलते चलते वो गवैया वहां रुका और रुक कर एक गाना पूरा किया, पंखों से भरी वो आवाज, इतना रवा इतनी धारियां, इतना पानी इतनी लपट, वो आवाज जो दिल काट लेती थी। फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा, लर टूटता न था, जबकि रिवाज के मुताबिक एक से ज्यादा एक जगह होना न था। जब सांस थमी और बैंड बाजे बैंड वालों के फूले गाल दबे, तो एक साथ आवाजें उठी, बढ़ाओ बढ़ाओ, पूरा जुलूस बोल रहा था। हाथी बार बार सूंड फेंक रहे थे, ऊंट पैर बदल रहे थे, और बत्तियां ढोने वाले गर्दन घुमाने की चाह में थे, लेकिन गवैये ने, शहर की सबसे मशहूर बैंड पार्टी के सबसे प्यारे गवैये ने, जो एक ही कंठ से गाता था दो आवाजों में, और जिसने कोतवाल के सामने भी कभी एक से दो नहीं गाया, उसी ने अब चौथा राग कढ़ाया, मानो अपनी ही फरमाइश पर, और एक हाथी जोर से सांस छोड़ता बैठ गया। भाई वह क्यों रुक गया था उस रात वहां उस मोड़ पर, सफेद मकान के आगे जो बत्ती की रोशनी में और भी सफेद लग रहा था, कोई नहीं।